डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो चुका है सर। ना। फर्स्ट एप्लीकेशन जो था डीहाइड्रोहेलोजनेशन, ये कवर हो चुकी है कि नहीं? अच्छा सर हाँ, क्वेश्चंस तो करा दिए थे काफी सारे। चलो, डीहाइड्रोहेलोजनेशन ने कवर कर दिया है, क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं इसके, पहली एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है। सही ना, फर्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे ही है, सपोज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 नोट कर लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसका तुम्हें बताना है अल्कोहलिक KOH डालने पर मोस्ट रिएक्टिव आइसोमर, और एक बताना है लीस्ट रिएक्टिव आइसोमर। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? यस सर। ट्राई करो, पर मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। मैं एक बार भी सुना क्वेश्चन, इसका मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव आइसोमर क्लियर है कि नहीं? ओके सर। मयंक गर्व सिंगल दोनों का हो गया, यस सर। यस सर। कर बोल तू आंसर। सर जिसमें मतलब सारी सारी वेज पे होंगे तो वो वाले तो हो जाएगा हाईली रिएक्टिव, और जिसमें ऑल्टरनेज वेज एंड डैश पोजीशन पे होंगे वो लीस्ट। एक बार देख मयंक, ये आंसर बोला इसने। ये इसने बोला मोस्ट रिएक्टिव, यही ना अगर, यस सर। और ये वाला ये लीस्ट रिएक्टिव। यस सर। सर लेकिन मतलब पहले वाले में लग रहा था रिपल्शन होंगी, लेकिन फिर मतलब यही लग रहा फिर मोस्ट रिएक्टिव। हाँ हाँ सही है, मैं तेरा भी यही आंसर है लगे। यही है सर। हाँ सही, यही आंसर आएगा दोनों का।
सही है, क्लियर है सबको कि नहीं ये, क्योंकि इसके वेज पे सी एल है तो इधर डैश पे हो जाएगा एच, वेज पे सी एल डैश पे एच, वेज पे सी एल डैश पे एच, क्लियर है सबको कि नहीं है। ये 1,3,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा इससे अगर करेंगे तो, समझ आया कि नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें नो रिएक्शन, इसमें आएगा नो रिएक्शन, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब ई टू मैकेनिज्म मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन सोचता हूँ मैं और दे दूँ आगे। ई टू मैकेनिज्म ऑलमोस्ट डन है ये, अब नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन है। ई टू का पहला एप्लीकेशन हो गया डी हाइड्रोहेलोजनेशन, क्लियर? ई टू का पहला एप्लीकेशन हो चुका है डी हाइड्रोहेलोजनेशन, दो एप्लीकेशन और है इसकी। सेकंड एप्लीकेशन है डी हेलोजिनेशन, ये भी मैं हिंट दे चुका हूँ लास्ट क्लास में जिंक के साथ, अगर तुम्हें याद हो। सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन इज डी हेलोजिनेशन, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ई टू, डी हेलोजिनेशन। इसमें क्या होगा, सपोज मैंने लिया, मैं एक एग्जांपल लेके ले रहा हूं, अगर मैं तुमसे दूं CH2Br CH2Br और इसमें डाल दूं मैं NaI एसीटोन के अंदर, तो आंसर क्या आएगा याद है कि नहीं? ये कौन सी नेव रिएक्शन है एक तरह से अगर देखो तो? सर फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ना, एक Br या Cl लगा होगा तो Cl लगा तुम I लगा दोगे, इसमें क्या होगा बताओ? सोच के दो आंसर क्या आएगा इसका। सर एथीन, डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, बहुत अच्छे, गर्व का भी सही है, हिमांक का भी सही है, रीजन क्या होगा? सर वो दो बिहार एंटी पोजीशन पर है तो वो एलिमिनेशन हो जाएगी। देखो मैं आंसर देता हूँ उसको, तुम आंसर तुम्हें समझा देता हूँ उसका, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका साइक्लोहेलोनियम मैकेनिज्म, साइक्लोहेलोनियम मैकेनिज्म, ध्यान साइक्लो, तुम्हें याद है ना इस टाइप के दो ग्रुप्स कभी भी आते हैं, यहाँ पे बी आर लगा हो, यहाँ ओ एच हो, या एन एच टू हो, या हेलोजन हो, अभी हेलोजन लगा हुआ है, हमेशा साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म होता है, हमेशा साइक्लो हेलोनियम मैकेनिज्म होगा, मतलब एक बी आर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और दूसरा बी आर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ध्यान आगे कि नहीं है, कुछ इस टाइप का बनेगा सी एच टू बी आर प्लस, और इस प्लस को एक्चुअल में आई माइनस अपने साथ फोल्ड करके देता है, समझिए कि नहीं ये? यस सर। अरे इस बीआर को ये ले जाएगा फाइनली आई बाय आई बीआर बन के, ये आई प्लस और बीआर माइनस, ये बन जाएगा पूरा बॉन्ड, ये था ना बीआर प्लस था ऐसे, ये आई माइनस कहां से आया, ये आई माइनस इसको खींच रहा अपने पास, समझे कि नहीं? यस सर। तो फिर इसके बाद ना कुछ ऐसा होता है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, तो इथीन आया कि नहीं? साथ में आई बी आर आया कि नहीं? yes, और ऊपर वाला जो बी आर गया था एन ए बी आर आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं क्या बोला मैंने? यस सर। यस साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म जिस, हाँ बोलो बोलो, किसी को पूछना है कुछ तो? हिमांग कुछ पूछना है? नो no. तो इसको अगर मैं दिखाना ना, मैंने पूरा डिटेल मैकेनिज्म बता दिया यहाँ पे, नहीं तो तुमने बहुत सिंपल तरीके से सोचना है, तो ऐसे सोच लेना पी आर, इसमें मैंने एन ए आई डाला, एन ए प्लस और आई माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन दे के गया, इथीन आया कि नहीं? और Na प्लस के साथ Br माइनस जुड़ जाएगा, NaBr आया, Br प्लस के साथ I माइनस जुड़ जाएगा, IBr आया, IBr सबको पता है इंटर हेलोजन कंपाउंड है, दो हेलोजन से मिक्स होकर कंपाउंड बना है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए इस पे NaI दोबारा अटैक कर देगा, NaI इस पे दोबारा अटैक कर देगा, इधर Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सॉरी इधर, हाँ Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिवाइड, इधर I इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो दोबारा ये बन जाएगा NaBr प्लस I2, कुछ समझ आया कि नहीं? Yes, तो इसका फाइनल आंसर जो होता है ना
इथीन प्लस टू एन ए बी आर, इसमें अगर मैंने एन ए आई एसीटोन डाला है तो आंसर आएगा इथीन प्लस एन ए बी आर दो मोल्स और साथ में आई टू। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म समझ आ गया? मैकेनिज्म क्या चीज है? ये वाली चीज ना कम बुक्स में दिखाई हुई है, डायरेक्ट इससे दिखाया हुआ मैकेनिज्म एंटी एलिमिनेशन। लेकिन एक्चुअल में मैंने तुम्हें एक लाइन बोली हुई है, एडजेसेंट पोजीशन पे बीआर और यहाँ पे दूसरा हेलोजन आ जाए या ओएच आ जाए या एनएच2 आ जाए, साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म चलेगा। फिर चलेगा साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म इस तरीके से। अब तुम्हें ध्यान रखना है सिर्फ एंटी एलिमिनेशन होगा, जो मैंने शॉर्टकट सिखाया तुम्हें, जो मैंने शॉर्टकट सिखाया, बीआर इलेक्ट्रॉन लेके गया, दूसरा बीआर इलेक्ट्रॉन देके गया, बीआर इलेक्ट्रॉन लेके गया, दूसरा बीआर इलेक्ट्रॉन देके गया। समझ गए कि नहीं? ये चीज सोच रहा है कि बोथ हेलोजन दे शुड बी एट द एंटी पोजिशन। क्लियर? दोनों हेलोजन एंटी पोजिशन में होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? रो सिग्मा स्टार एबी में देना है ना इलेक्ट्रॉन पेयर अपना। हाँ हाँ हाँ, सिग्मा गया है तो सिग्मा स्टार में देख। ये ध्यान ना, जैसे गर्व ने वर्ड यूज किया है, देखो अब इतनी जगह मैंने वर्ड यूज कर लिया है तो अब दिमाग में ये आ गया है कि बीआर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो इसका पीछे सिग्मा स्टार ए बी खाली है, और पाई में जाते हैं तो पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग खाली होता है, सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग खाली होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये बीआर, तो इसने वहीं पे इलेक्ट्रॉन दिए। समझ गए कि नहीं? यस सर। चलो ये तो मैं इसका मतलब क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चन लिखने हैं तुम्हें, सेकंड एप्लीकेशन के क्वेश्चन। जिसने कल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उसी को समझ आएगा ढंग से। अगर कल वाले मैकेनिज्म कल वाले क्वेश्चन तुमने दो दो बार प्रैक्टिस नहीं किए ना, फिर दिक्कत आएगी, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। ध्यान रखना चीज, कल जो बच्चे हैं ट्वेल्थ वाले स्पेशली, उनका फुल सिलेबस टेस्ट होगा कल, फॉर्मुले वगैरह पढ़ के आना, होमवर्क करके आना पूरा, स्पेशली कन्वर्जेंस वाला होमवर्क, उसको मत मिस किया करो बिल्कुल भी। देखो इसमें अगर मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज CH3 CH BR BR CH3, तो आंसर क्या आएगा NaIAcetone में? इसको तुम, इसको बेटर है तुम ऐसे लिखो, एक पहले इजी क्वेश्चन लिख लो, या तो एक इजी लिख लो फिर देखते हैं आगे। CH3 CH BR CH2 BR इस टाइप का है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन MeHBr HBr Me NaIAcetone। थर्ड MeHBr HBr NaIAcetone। तो आंसर क्या है? ये तीन केसेस हैं, पहले तीन केसेस में आंसर करो फिर आगे करो। और शॉर्टकट में ये लिख लो, मतलब आंसर निकालना आना चाहिए, सीधी सी बात, इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। NaIAcetone तुम लोग पूरा रखना, सही ना, पूरा रखना तुम लोग NaIAcetone। चलो चार क्वेश्चन निकालो जल्दी।
गर्व कर लिए दोनों चारों क्वेश्चन? यस सर। गर्व और किसने कर लिया? हिमांग ने भी कर लिया। और कोई बच्चा? नंदिनी ने कर लिए। और कोई? आन्या ने कर लिए। मैं कर लिया क्वेश्चन? यस सर। प्रियंका ने कर लिया। मयंक, प्रियंका, छह बच्चों ने किया अभी तक टोटल। सबके सही होने चाहिए चारों क्वेश्चन, क्योंकि कल भी, कल से हम यही इसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो इधर, फिर आंसर मैच करेंगे, एक बार आंसर मैच करना है इसका। सीएस पहले वाले केस में तो सोचना नहीं है ज्यादा, प्रोपीन आंसर है इसमें, डाउट तो नहीं किसी को? प्रोपीन आंसर है इसके अंदर, ये हटा रहा हूं मैं, सही ना? प्रोपीन आंसर फर्स्ट वाले का मैं हटा रहा हूं। अब ये वाला केस अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसकी कौन सी फॉर्म बनानी पड़ेगी? इसका आंसर बोलना है किसी को, क्या आंसर आया? ट्रांस ब्यूटीन। ये गर्भ सिंगल ने बोला है। और कोई? समीरा भी है। ट्रांस ब्यूटीन। और उससे अगलेगा सर, उसमें सर पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म में आ रहा है उसका वो। सर इसमें आंसर क्या आएगा? नहीं इसी लोन में दो सीरो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दो में से सिर्फ एक ही मेजर मिल रहा है, दूसरा बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। इसमें ट्रांस मिल रहा है तो ट्रांस ही मिल रहा है, इसमें सिस मिल रहा है तो सिस ही मिल रहा है। लेकिन दो में से क्या हो रहा है, एक ही मिल रहा है पूरा 100%, तो ऐसी रिएक्शन होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। और अगर दोनों की, जैसे अगर ये होता, मान लो एक बार देखना जरा, दो रिएक्शन की बेस्ट डेफिनेशन यहीं से पता लग जाएगी। अगर मैंने इसमें कंसंट्रेटेड एस्ट्रोफो डाल दिया तो क्या आंसर आएगा? तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव। नोट कर लेना नाम है आपके, रिजियो सिलेक्टिव। जब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने और एक उसमें से मेजर हो दूसरा माइनर, रीजियो सिलेक्टिव, रीजन को सिलेक्ट कर रहा है, रीजन को सिलेक्ट कर रहा है ना, कौन से रीजन से एच हटेगा, इधर से एच हटा कि नहीं, ओ एच यहां से एच, नहीं समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? Yes. तो इसको बोला रीजियो सिलेक्टिव, दोनों मिल रहे हैं, एक अगर 80% है दूसरा 20% है, ऐसे तो है ना हिमांग? यस सर। एक 80% दूसरा 20%, और दोनों के दोनों क्या था, स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो इसको बोलेंगे रिजियो सिलेक्टिव। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ये रीजन सिलेक्ट कर रहा है, कौन से रीजन से एच हटेगा। दूसरा, क्या ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. क्यों हो सकती है? क्योंकि ये तो अभी सीरो आइसोमर्स बनेंगे ना, इसका सिस ट्रांस तो सीरो आइसोमर्स हैं। सीरो आइसोमर्स यानी ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल, सीरो आइसोमर्स यानी ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल, तो ये रिएक्शन सीरो सिलेक्टिव भी होगी क्योंकि इसमें सिस भी मिलेगा, ये सिस मिला और ये ट्रांस मिला, लेकिन मेजर कौन सा होगा,
ट्रांस मेजर कौन सा होगा? ट्रांस ट्रांस मेजर है ना इसमें, ट्रांस मेजर है, इसलिए ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी है। क्या तुम्हें समझ आया क्या चीज है, क्या बताया मैंने तुम्हें अभी? यस यस मैंने तीन डेफिनेशन बोल दी है, बड़ा सा टॉपिक है ये, तुम चेक करोगे ना लास्ट ईयर के लेक्चर, तो ये बड़ा सा टॉपिक है बिल्कुल। रिजियो सिलेक्टिव यानी दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने, दो में से एक मेजर, दो में से एक मेजर, तो बोलेंगे रिजियो सिलेक्टिव, तो बोलेंगे रिजियो सिलेक्टिव। और दो स्टीरियो आइसोमर्स बने और उसमें से एक मेजर, तो क्या बोलेंगे? स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, और रिजियो सिलेक्टिव मींस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो चेन फंक्शनल मेटामरिज्म इस टाइप से, है ना, चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामरिज्म, समझ गए कि नहीं? यस सर। और स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक ही स्टीरियो आइसोमर मिले दो, हाँ दो पॉसिबल दो हो लेकिन मिले क्या एक ही 100%, समझे कि नहीं? यस सर। Yes. 100% मतलब जैसे 96% 97% को भी 100% ही मानना होता है, क्लियर होगी बात की नहीं? ये समझ आ गई तीन डेफिनेशन? यस सर। ये ध्यान रखना तीनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैंने तीन डेफिनेशन बताई, रिजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। 100% स्टीरियो सिलेक्टिव अगर है, 100% ऑलमोस्ट 100% सीरियो सिलेक्टिव है, तो उसे क्या बोलेंगे? सीरियो स्पेसिफिक। समझ आई बात कि नहीं? 100% सीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है तो क्या बोलेंगे उसको? सीरियो स्पेसिफिक। समझ आ रहा है? हो सकता है मैं आगे टॉपिक कराऊं तो डिटेल में ले लूं उसको, लेकिन एक बात को दिमाग में रखना इस चीज को, सही ना? अब देखते हैं, तुमने आंसर बोला एंटी एलिमिनेशन में एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, पहले केस में तुमने जब दोनों सेम साइड पे थे तो तुमने आंसर बोला ट्रांसब्यूटेन होगा, और जो दोनों बीआर ऑपोजिट साइड पे थे तो तुमने बोला आंसर कि वो सिसब्यूटेन होगा। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ प्रॉपरली, डायरेक्ट तो तुम याद कर ही सकते हो, मैं डायरेक्ट इसको चेक कर रहा हूँ, इसका इसको एनटी में रखना है, अगर मेरे को दोनों बीआर को एनटी में रखना है तो मुझे बनाना पड़ेगा न्यूमैन। न्यूमैन पहले बनाते हैं इक्लिप्स में, दोनों एमई सेम साइड है, दोनों एमई सेम साइड है, ध्यान रखना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ पहले वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे एमई के साथ लेफ्ट पे एच है, बी आर राइट पे, बी आर राइट, और नीचे एमई जो है वो इसके साथ ऐसे आ जाएगा, बी आर के साथ बी आर तुम्हें दिख ही रहा है, ये रहा बी आर के साथ बी आर, और एच के साथ तुम्हें एच दिख रहा है। ये बनाना आ गया कि नहीं? यस सर। ये सबको बनाना आ गया कि नहीं? अब ये बनाने के बाद, ये बनाने के बाद अब मेरे को दोनों बी आर को अगर एन टी पे करना है तो पीछे वाले कार्बन को यानी इस वाले पीछे वाले कार्बन को 180 से रोटेट करना पड़ेगा। 180 से रोटेट करते ही ऊपर वाला फिक्स, बिल्कुल ध्यान दो ऊपर वाला बिल्कुल फिक्स है, इस तरीके से एमई एच बी आर ऊपर वाला बिल्कुल फिक्स है, पीछे वाला कार्बन 180 से घूमेगा ताकि बी आर एन टी पे आ जाए, तो बाकी सब पीछे वाले एटम भी 180 से घूम जाएंगे एमई और यहां आ जाएगा एच। अब ये बी आर बाहर निकलेगा, ये बी आर इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, सोचने का तरीका ये होना चाहिए, ये होगा तो तुम्हें दिख रहा होगा ये चीज आएगी, देखो ध्यान देना, एम ई जो बच गया वो दिखा दो, एच यहाँ पे एच और यहाँ पे एम ई, और ये इस पे सी है और एक बैक वाला सी है, एक बैक वाला सी है, सोचने का तरीका है बस ये, तो तुम्हें दिख रहा है दोनों एम ई ऑपोजिट दिख रहे हैं, तो ये ट्रांस, ट्रांस बोला था ना आंसर? यस सर। यस सर। ये यूज करना आ गया सबको कि नहीं? यस सर। और ये 100% आ रहा है ना, 100% आ रहा है कि नहीं, तो स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ कि नहीं? यस सर। बाद में मैं थोड़ा सा चेंज बताऊंगा वो नोट कर लेना, लेकिन बेस्ट डेफिनेशन दे दी है तुमने यहीं पे मैंने तीनों की, रिजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। एक टर्म होती है स्कीमो सिलेक्टिव, कीमो सिलेक्टिव यानी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अटैक एक पे होगा, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अटैक एक पे होगा, तो उसे बोलते हैं कीमो सिलेक्टिव। चलो एक मैंने टर्म बोल दिया तो यूज कर लो इसको बार, मान लो ये चीज है, ये चीज है, इसमें अगर मैंने NaBH4 डाला
और एल आई एल एच फोर डाला, एन ए बी एच फोर डाला और एल आई एल एच फोर डाला, तो कौन सा इसमें से कीमो सिलेक्टिव है, कौन सी रिएक्शन इन दोनों में से कीमो सिलेक्टिव होगी, कोई बता सकता है? कीमो सिलेक्टिव, दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अटैक एक पे हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे कीमो सिलेक्टिव। कोई तुम में से बता सकता है कि नहीं? सर NABH4 नहीं, NABH4 हां NABH4 मैंग का भी सही है। और किसने बोला था पीछे? प्रियंका। और से प्रियंका सिद्धि का भी सही है, NABH4 वाली रिएक्शन होगी कीमो सिलेक्टिव। वर्ड पता है बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब तुम करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। दो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, अटैक एक पे होगा, NABH4 डालेंगे तो वो किस पे अटैक करेगा? सिर्फ CH3 सील बॉन्ड O पे, यानी कीटोन पे अटैक करेगा, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है। तो NABH4 जो कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पे ही अटैक करता है, और भी है जिस पे अटैक करता है जैसे एसिड क्लोराइड, वो बात की बात है, मैं बताऊंगा तुम्हें डिटेल। तो ये रिएक्शन कीमो सिलेक्टिव है, लेकिन LLH4 वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, दोनों को। और इसमें अगर LLH4 डाला, ये NABH4 से आंसर था, सोडियम SBH लिखते हैं शॉर्टकट में इसको, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और LLH4 को लिखते हैं LAH, LH4 से LAH से ये आंसर आएगा, CH3CHOH, यहां से क्लीवेज, ये बन जाएगा CH2OH और MEOH, ये आ जाएगा CH2CH2OH। तो दूसरी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों पे, दोनों फंक्शनल पे अटैक हो रहे हैं इसके प्रेजेंस में, LAH के प्रेजेंस में दोनों ग्रुप पे अटैक हो रहा है, एसर पे भी और कीटोन पे भी, लेकिन SBH से सिर्फ एक ही पे अटैक हो रहा है। क्लियर होगी वक्त? ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीमो सिलेक्टिव वर्ड नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसर इज नॉट अटैक्ड बाय SBH, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। क्या थर्ड क्वेश्चन बताने की जरूरत है कि इसमें सिस वाला ब्यूटेन आएगा? नो सर। थर्ड वाला क्वेश्चन बताने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। इसमें सिस ब्यूटेन आएगा, वो करके देख लेना उसको ऐसे ही। और इसमें आंसर क्या आएगा फोर्थ वाले में? फोर्थ वाले में आंसर क्या आएगा? साइक्लोहेक्सी। कोई डाउट तो नहीं है? नो। अब एक NAI एसीटोन मैंने तुम्हें करा दिया है, ध्यान रखना NAI एसीटोन जहां पे भी लिखा है ना वो अभी लिख लेना, तो नहीं तो भूल जाओगे। वहां पे जिंक और इथेनॉल या मेथेनॉल भी यूज कर सकते, कल बताया था मैंने कि नहीं? ये यस सर। तो ये भी, ये अभी लिख लेना ताकि गड़बड़ ना हो कोई, सही ना? ये अभी लिख लेना ताकि गड़बड़ ना हो, सही है? वहां पे तुम जिंक और CH3OH भी लिखते हो ताकि गलती ना हो कहीं पे। ये एक क्वेश्चन और लिख लेंगे इसका, जैसे अगर जो जिंक और मिथेनॉल है, मान लो अगर मैंने इसमें डाल दिया ये CH3CH2CHBr2, इसमें डाल दिया मैंने जिंक और CH3OH, तो क्या होगा? नोट कर लेना, मतलब चांसेस इनके कम है, लेकिन आ गया तो फिर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे मेंस के पेपर आए थे ना 2020-21-22 में आए हैं, 19 के भी, उसमें ना कहीं से कुछ क्वेश्चन में कहीं से कुछ भी पूछा हुआ है, तो पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जिंक और ये डाल दिया अगर मैंने, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? और एक और लिख सकते हैं, ये थोड़ा स्पेशल केस मान के कर लेते, CH3CH2CHBr2 ही ले लेते हैं, Br2, और साथ में डाल दिया सोडियम, डाला है साथ में सोडियम डाल दिया, 4 मोल्स, हिंट दे रहा हूँ मैं, 4 मोल्स डाल दिए सोडियम, तो आंसर क्या आएगा?
देखो इसके आंसर लिख लो, ट्राई करो, देखो समझ आ गया कि नहीं। पहले केस में बी आर पे टू नेगेटिव आया, कल मैंने बताया था तुम्हें कैसे सोचना है इसको। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन गए बी आर के वेकेंट ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन ये इधर देके जाएगा क्योंकि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गए इस बी आर टू नेगेटिव में, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दोनों बी आर नेगेटिव बन चुके हैं तो माइनस जेड एन बी आर टू, माइनस जेड एन बी आर टू, और जो प्रोडक्ट मिला है कार्बीन ये क्या करेगा, इससे एच को शिफ्ट करा देता है। जिंक बहुत रिएक्टिव नहीं है तो ये इसमें टाइम मिलता है और ये इसको इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और आंसर आ जाएगा प्रोपीन। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। इसमें ये आंसर आता है और इस केस में ना फोर मोल्स ऑफ सोडियम जब लिख दिया तो इसमें यही बनता है, लेकिन ये बनेगा ना इसमें, और ये बनने के बाद वही दो मॉलिक्यूल इसके कंबाइन कर जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, एक्स थ्री। सर इसमें कंबाइन क्यों कर रहे हैं, रेडिकल दो है ना, रेडिकल कार्बिन है ये और ये कंबाइन कर देंगे, कंबाइन मतलब शेयरिंग हो गई दोनों दोनों को। अच्छा फोर मोल सही है, उससे फोर मोल करें इसलिए, उससे फोर एन यूज करें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एन ज्यादा रिएक्टिव है ना, दो स्पेशल केसेस मान के कर लेना इसको, एक बार रीजॉइन कर लेंगे, एक एप्लीकेशन इसकी और करें, एक एप्लीकेशन थोड़ी देर और करेंगे इसकी,